हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में कार्तिक माह की अमावस्या कब है, पूजा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। साथ में जानेंगे दीपावली कब है, दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं, कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, साल की आखिरी सोमवती अमावस्या होगी और इस साल की आखिरी सोमवती अमावस्या दिवाली के दिन पड़ रही है। लक्ष्मी पूजन में सोमवती अमावस्या का संयोग होना बहुत ही फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में आने वाली अमावस्या बहुत ही खास मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक अमावस्या पर देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं, इसीलिए कार्तिक अमावस्या की रात दीपावली का पावन पर्व मनाया जाता है। ये महीना भगवान श्री हरि और मां लक्ष्मी का प्रिय महीना है। इस महीने और यानि कि कार्तिक महीने और इस महीने की अमावस्या, इस दिन तीर्थ स्नान दान और पूजा पाठ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साल 2023 में कार्तिक अमावस्या को लेकर कन्फ्यूजन है कि कार्तिक अमावस्या कब है, ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे। साथ में जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, स्नान दान का समय और दीपावली कब है, दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय, यानी कि इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान का अपना ही महत्व है। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या सबसे खास मानी जाती है। जब कोई अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं सौभाग्य प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। इस दिन पीपल के पेड़ और भगवान विष्णु और शिव पार्वती के पूजन से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साल 2023 में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन साल की अंतिम सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में कार्तिक अमावस्या 13 नवंबर सोमवार को है और ये सोमवती अमावस्या होगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर को दोपहर के 2:44 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 13 नवंबर को दोपहर के 2:54 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 13 नवंबर को प्रातःकाल 11:44 से दोपहर के 12:27 तक और स्नान दान का समय है 13 नवंबर को प्रातःकाल 4:56 से प्रातःकाल 5:59 तक। आइए जानते हैं कि साल 2023 में दिवाली कब है और दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, दीपावली का पर्व कार्तिक अमावस्या को ही मनाया जाता है और इस दिन शाम के समय लक्ष्मी पूजन किया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 13 नवंबर दोपहर को समाप्त हो रही है, जिस वजह से दीपावली का जो पर्व है वो 12 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में
पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के 5:29 से रात्रि के 8:08 तक का होगा। इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक अमावस्या सोमवार को होने से सोमवती अमावस्या होगी। साथ ही इस दिन तीन शुभ योग बन रहे हैं, सौभाग्य योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि ये जो तीन शुभ योग हैं बहुत ही शुभ माने जाते हैं और इन योगों में किए गए कार्य पूजा पाठ सफल होते हैं। आइए जानते हैं कि कार्तिक अमावस्या का महत्व। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर शिव और गौरी की पूजा करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और सभी दुख दूर करते हैं। आइए जानते हैं साल 2023 में दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में दीपावली 12 नवंबर रविवार को मनाई जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 12 नवंबर को शाम के 5:39 से शाम के 7:35 तक। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त है शाम के 5:29 से शाम के 8:08 तक और वृषभ काल समय होगा शाम के 5:39 से शाम के 7:35 तक। लक्ष्मी पूजा के लिए महानिशित काल मुहूर्त है रात्रि के 11:39 से मध्य रात्रि 12:31 तक। आइए जानते हैं अमावस्या की पूजा विधि। दोस्तों, कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी गणेश पूजा का विधान है। अमावस्या के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके अलावा आपके घर में जो भी अमावस्या पर पूजा की विधि है, जो भी पूजा की जाती है, जो भी आपके घर में परंपरा है, तो उस परंपरा के मुताबिक आप पूजा करें। और इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें, मां लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करें। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या को गीता पाठ करना, अन्न दान करना और दीप दान करना चाहिए। ये तीन दान करने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही विष्णुप्रिय तुलसी की पूजा जरूर करें, भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाएं। ऐसा करने से धन आगमन होता है और रात्रि के शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश की पूजा जरूर करें। लक्ष्मी गणेश की पूजा करके दीपदान जरूर करें। इसके अलावा आज के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें और अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करें। आइए जानते हैं कि इस दिन अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो कौन से काम करने चाहिए जिससे कि हमें धन लाभ हो और कष्टों से मुक्ति हो, कर्ज से मुक्ति हो। तो सोमवती अमावस्या के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें और संभव हो तो गंगा जी में स्नान करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर के नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें और आज के दिन शिव पार्वती, भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करें। ज्योतिष के अनुसार साल की अंतिम सोमवती अमावस्या कार्तिक मास में पड़ रही है। कार्तिक अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। ऐसे में इस दिन तुलसी और पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीप दान करें। इसके अलावा अमावस्या के दिन प्रदोष काल में पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें, ऐसा करना शुभ होता है। सोमवती अमावस्या के दिन अखंड सौभाग्य के लिए पीपल के पेड़ पर 108 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें, ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी होती है।
इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन आटे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर काली चींटियों को खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और आज के दिन अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं या उन्हें अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य करें, अन्न दान करें। ऐसा करने से कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान विष्णु का नाम जपते हुए आटे की 108 गोलियां बनाएं और उन्हें मछलियों को खिलाएं। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कार्तिक अमावस्या के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में लाल धागे से बनी बाती वाला घी, यानी कि घी का दीपक बनाएं, जिसमें आप रुई की जगह लाल बाती की जो बाती बनाएं और हल्दी डालकर दीप जलाएं। ऐसा करने से आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं। और आज के दिन घर के ईशान कोण में तांबे के बर्तन में जल भर कर रखें और किसी का अनादर न करें, अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य अवश्य करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।